आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद में और दीनदयाल नगर एरिया में, और आज हम आपको दिखाएंगे भारतीय क्रिकेटर पूर्व स्पिनर यहाँ पीयूष चावला का घर, और आप मेरे साथ बने रहें और हम आपको पीयूष चावला के घर ले चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है उनका घर। तो हम दिखाते हैं पीयूष चावला जी का घर, जिस सामने आप घर देख रहे हैं, ये पीयूष चावला जी का है, भारतीय क्रिकेटर, और ये उनका घर है और मैं उनके घर के सामने खड़ा हूँ। अब दिखा, अब बना वीडियो चल रहा, और ये देख सकते हैं आप पीयूष चावला जी का घर, ऊपर दिखाइए जरा, ये देखिए ऊपर टंकी रखी हुई है, और आइए आपको मेन गेट पे ले चलते हैं, ये कोई उनकी गैलरी है, मतलब पार्किंग की जगह होगी शटर, और ये ऊपर दिखाइए, ये देखिए पीयूष चावला जी का घर है, कैमरा सीधा रखिए बिल्कुल, हाँ ऊपर दिखा दो, दिखा दो, और आप देख सकते हैं पीयूष चावला जी का घर है, ये यहीं वो रहते हैं, और ये गेट है, तो काफी सुंदर घर है पीयूष चावला जी का, जो भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, फिलहाल तो वो आईपीएल भी अभी खेलते थे, अब सामने का नजारा दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने है पीयूष चावला जी का घर, और ये गेट है, और आपको घर दिखा दें, ये घर है उनका पीयूष चावला जी का, वो यहीं रहते हैं, इसी घर में रहते हैं, काफी सुंदर घर है उनका, बहुत ही सुंदर। इस समय मौजूद है हम मुरादाबाद में और भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला जी के घर पर, और उनकी माँ जी मेरे साथ हैं, आइए पूछते हैं माँ जी को प्रणाम सबसे पहले। माँ जी, पीयूष सर को जो क्रिकेटर बनने का शौक था वो तो बचपन से था या कैसे आया उनके ख्याल? घर से थे तो उसको जैसे देखा स्टेडियम में खेलते हुए, तो फिर उसको कैंप में लेकर गए, तो कैंप में था, से जाना नहीं चाहता था, बहुत छोटा था ना, बस फिर चला गया, तो धीरे धीरे लाइफ सेट हो गई। तो कुछ उनकी उन्हें खाने में क्या पसंद है अगर यहाँ आते हैं? ऐसे तो चिकन बिरयानी खाते हैं, पर घर के राज। और हम इस समय मौजूद हैं पीयूष चावला भारतीय क्रिकेटर उनकी ससुराल में, और आप देख सकते हैं ये ससुराल है, और यहीं पे उनकी शादी हुई है, और ये घर देखिए, ये पीयूष चावला जी की ससुराल है, और ये देखिए पीछे तक देखिए, काफी बड़ा घर है, सुंदर घर है, ऊपर देखिए। तो जी हाँ, हम आपको बता दें, ये जो लाइन देख रहे हैं इधर का पहला मकान पीयूष चावला जी की ससुराल है, और लास्ट जो मकान है जहाँ अभी हम होकर आए हैं वो पीयूष चावला जी का घर है। तो काफी दिलचस्प उनकी लव स्टोरी रही है, दोनों बचपन से ही फ्रेंड थे। तो भैया पीयूष चावला जी लास्ट टाइम कब देखा था आपने? भैया दो चार दिन हो गए। दो चार दिन पहले? अच्छा, यहाँ आते हैं? आते हैं। अच्छा, तो बचपन से वो यहीं रहे या? बचपन से तो यहीं रहते थे, शायद अब दिल्ली चले गए। आप कितने सालों से उन्हें देख रहे हैं? हम 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से देख रहे हैं।